गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस भाई आपका आ गया एक और वीडियो लेकर, और अभी वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस स्कूटी के ऊपर बैठे। और नमित आया हमारे घर में, और मैं और नमित जा रहे हैं कहाँ, नीचे। पापा ने उधर काम लगवाया है नीचे वाले खेतों में, तो गाड़ी लेके चले गया था। नमित आया था, सोचा हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, और अभी हम जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं हमारे लैब वगैरह लग गए, और पापा से भी मिलवाते हैं आपको। मान रख लिया चाय वगैरह, चलो ठीक है गाइस, चलो जा रहे हैं। गाइज अभी हम बदने में पहुंचे हैं, रत्ती दिंदा ये साड़ा रास्ते में आता है, ठीक है। और ये हमारे भाई जी हैं, देखो इधर स्माइल बड़ी कर रहे हैं, बोलते हैं मैं वीडियो देखता हूँ, वीडियो तो नहीं बना रहे। मैं नहीं बना रहा था, पर अभी बनानी है, तो सोचे यहाँ से रस वगैरह के पैकेट ले जाते हैं, चाय के साथ खाने में ईजी हो जाएगा। तो चलो अभी दे दो भाई, दे दो स्माइल, देखो इनकी उधर मुँह करके स्माइल करे जा रहे हैं भाई। देखो भाई रत्ती दिंदे वालों को ये बता दूँ कि भाई इधर से सामान लिया करो, वैसे तो सारे लेते ही हैं, दुकान बड़ी अच्छी डाली है, देखो ना हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई यहाँ से हमारा मोहल्ला स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं, ये देखो इधर रोड, पापा भी आ गए, वो देखो पापा मिल गए, काम ख़त्म हो गया। ये देखो रोड के कितना तंग रोड है इधर हमारे इधर, ये देखो अगर एक गाड़ी आती है तो बस एक ही गाड़ी, एक सिंगल गाड़ी आती है, सिंगल बोलने नहीं दे रहे, सिंगल ऑटो या सिंगल गाड़ी निकल सकती है इधर से, देखो और दो गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। वो देखो हमारी यहाँ पर, ये हमारा घर है, बस पहुँच गए हम। तो भाई ये है हमारा घर, ठीक है। पहली बात तो ये, यहीं से हमारे घर से ही दो गाड़ियां क्रॉस हो सकती हैं हमारे इधर। देखो हमने कितनी जगह छोड़ी हुई है इधर, ये देखो इधर यहाँ पे गाड़ी हमने लगाई होती है, फिर इधर से गाड़ी क्रॉस हो सकती है, अदरवाइज पूरे रोड में पीछे तक गाड़ी कोई क्रॉस नहीं हो सकती। इधर भी सिंगल गाड़ी है देखो, और पापा इधर देखो रेडी हो रहे हैं, मतलब जाने के लिए घर आ रहे हैं वापस, और हम पहुँच गए। गाइस इधर देखो नमित को दिखा रहे हैं कि इधर ये हमारा घर है, क्योंकि ये पहली बार इधर आया है, ये दूसरा घर और ये वाला हमारा घर। और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि इधर से हमारे जाते हैं ऑटो, आगे ऑटो स्टैंड है जो जोड़ियाँ से ऑटो आते हैं, वो इंद्री पत्तन इधर ये वाला एरिया जो दिखा रहा था सुबह का टाइम है, ये जो आगे हमारा एरिया है ये मतलब खतरे में है फिलहाल। अभी तो खतरा का कोई पता नहीं है, टल गया होगा क्योंकि वहाँ गया नहीं, काम तो लगातार वहाँ चल रहा है। और अभी चलते हैं घर में वापस, क्योंकि पापा बोल रहे मेरा काम ख़त्म हो गया, अभी वापस ही जा रहा था, तो चलो हम भी चलते हैं वापस। ये देखो ऑटो आ रहे हैं ना हमारे, इधर से ही ऑटो आते हैं, इधर से हमारे मोहल्ले की सवारी इधर से बैठती हैं, फिर जोड़े चले जाते हैं। तो गाइस अभी मैंने और नमित ने प्लान कर लिया कि पापा को तो इधर टाइम लगना था हमें, मतलब चाय वगैरह पिलाने में, वो टाइम हमारा बच गया, और अभी हम अपने गली इधर से जाएंगे दरिया देखने। नमित को भी दिखाता हूँ, ये जो रास्ता ना, ये वाली गली हमारा घर, वो सीधे है ये वाली गली जाती है सीधे दूसरे गाँव के साथ कनेक्ट होता है ये वाला रास्ता भी, अभी आपको लेके चलते हैं आगे। देखो गाइस आज आपको अपने गली मोहल्ले भी दिखा रहा हूँ, और ये है हमारा राधा कृष्ण का मंदिर, आज हमारा घर भी रिवील हो गया, ये हमारा गांव। ये देखो गाइज ये हमारा राधा कृष्ण का मंदिर, यहाँ पे हमारे वगैरह मतलब पूजा पाठ इधर ही होता था, यहाँ भंडारे वगैरह होते थे, ये आपको दिखा दिया। और ये देखो अभी ये हमारा एक दूसरा गांव है, ठीक है, इसी के साथ कनेक्टेड होता हुआ, और ये अंदर से रास्ता जाता है, अभी आपको लेके जाते हैं सीधे दरिया में, इस साइड से भी हम जा सकते हैं, और कहाँ कनेक्ट होता है ये भी आपको दिखाऊंगा। गाइज इधर देखो यहाँ से आपको पूरा दरिया दिख रहा है, ये देखो मंदिर के पास से इधर लोग खड़े होते थे जब मैं वीडियो बनाता था, ये मंदिर है गाइस। ये देखो हम दरिया पहुंच चुके हैं, और इस साइड मैंने आपको दिखाई नहीं काफ़ी देर से, ये देखो मशीनें लगी हुई हैं, ये पिलर वगैरह बन रहे हैं, ये देखो ये फर्स्ट पिलर है जो है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे रोड से, ये रोड जब आते हैं हम, और ये देखो ये पिलर है, और ये देखो लगातार ये पिलर कितने बन चुके हैं दरिया में, और ये रोड बन रहा है जो पुल बन रहा है ना वो, ये देखो लगातार लगातार काम चल रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ इस साइड जहाँ पे हमारा मतलब वो है जो दरिया हमारी जगह रुड़ रही है बह रही है, तो अपना हिंदी दी डोगरी, तो ये इस साइड जा रहे हैं हम, यहाँ पे इधर यहाँ पे स्कूटर आ जाए। तो गाइस ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता इस रास्ते से हम आए हैं, ठीक है, ये हमारे सीधे मोहल्ले को कनेक्ट करता है, और ये जो रास्ता है ना ये दरिया के साइड से जाते जाते वही जहाँ पे पुल वो जो अपना जगह बह रही है ये वहाँ जाता है, और यही रास्ता जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था वो हमारे गाँव को एंड में कनेक्ट करता है, ये वाला हमारे गांव में मतलब मोहल्ले के अंदर से जाता है। गाइस इधर देखो पहले यहाँ पे नज़र डालो, ये देखो काम चल रहा है पुल का, वो देखो दरिया के बीच से ये ब्रिज, वो जो मतलब पुल बन रहे हैं वो क्या बोलते हैं पिलर बन रहे हैं, और ये देखो यहाँ तक काम लगा हुआ है। ये देखो आपको ये भी अपडेट दे रहा हूँ कि 2024 के एंड तक, क्योंकि अभी इसके बाद पानी जब सूख जाएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी, तो ये काम और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी बीच में नहीं कर रहे क्योंकि बीच में पानी बढ़ा हुआ है, इसलिए वहाँ इस साइड काम कर रहे हैं। सर्दियों में ये कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर 2025 से मे भी हम इस रूट से भी आपको प्रगवाल लेके जाएंगे। तो फिलहाल अभी देखो इधर अभी भी लोग आए हैं देखने के लिए। तो गाइज अभी पहुँच चुके हैं दरिया, और ये है लाइव स्थिति अभी तक, यहाँ देखो
ये थोड़ी सी पहले आगे थी, अब बहते बहते दरिया ने और पानी अभी थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाती है। ये देखो गाइज, वो पेड़ वगैरह ये सारे इधर थे और यही रास्ता जाता है जो हमारे गांव में कनेक्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ जेसीबी वगैरह लगी हुई थी, मैं आपको दिखा रहा था, यही रास्ता था। ये पूरी जगह बह गई है और वो बन रहा ब्रिज, और अभी नीचे वाली साइड से थोड़ा सा दिखाता हूँ अगर रास्ता यहाँ पे है कि कहाँ पे मतलब काम चल रहा नहीं चल रहा। तो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ दरिया में, वो देखो उस साइड काम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, मैं आपको बार बार आपको दिखाता हूँ, लास्ट वीडियो जहाँ मैंने बनाई थी वो जगह रुक गई है। तो भाई ये देखो, उस दिन यहाँ पे पानी था, आज यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन जगह बह गई है जहाँ वहाँ पे खड़े होके गाइस, वो जो पेड़ है ना वहाँ पे खड़े होके कर रहे थे, ये पेड़ के पीछे खड़ा था मैं, तभी ये पेड़ दिखा रहा था। और ये देखो अभी पानी इधर आ गया, और ये देखो ये ज़मीन पूरी बह गई है, उस दिन पानी इसके ऊपर था लेकिन अभी ज़मीन के नीचे पानी चल रहा, तभी ये ज़मीन पूरी नीचे गिर रही है। और वो देखो वहाँ लगा हुआ है काम लगातार, लेकिन ये ज़मीन मतलब बह जाएगी, ये रुकेगी नहीं। और इधर देखो वहाँ पे खड़े होके हम वीडियो बना रहे थे, वहाँ पे खड़े होके, लेकिन अभी नहीं बन पाएगी। ये देखो लोग यहाँ पे देखने अभी तक आ रहे हैं और जगह काफ़ी सारी जगह बह गई गई। ये देखो ये हमारा लगातार काम चल रहा है, अभी इन्होंने जो पानी गांव के अंदर बह रहा था उसको फ़िलहाल अभी तक थोड़ा इन्होंने बांध दिया, अभी तक मतलब ये है कि पानी के चांसेस कम हो गए हैं अंदर घुसने के। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा अभी जो दिख रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड ये वाली जगह तो बह जाएगी साथ साथ में, ये नहीं रुकने वाली। अभी ये इस साइड खेतों के अंदर से आएंगे, नुकसान तो ज़मीनों का होगा, वो तो ऑलरेडी हो ही गया है, अभी इधर से बांधते हुए सीधे आगे आएंगे, ठीक है, और फिर इधर जाके इसको मिलाएंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ से टूटा पानी बढ़ा तो फिर ये फिर से इधर से नया रास्ता बना लेगा। तो ये है आज की अपडेट जो मैंने आपको अभी दिखा दी है, बात यही है कि रोकना अभी मुश्किल था पहले, अभी इन्होंने पॉसिबिलिटी कर दी है, लेकिन अगर एक दो दिन और बारिश नहीं होती तो काम लगातार चल रहा है, और अगर बारिश हो जाती है तो ये जो जगह आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मेन खतरा यहाँ का ये पानी, क्योंकि पानी का फ्लो वहाँ से आके इधर जा रहा है, लेकिन आ तो सीधे इधर है, अगर ये टूटता है तो फिर पानी सीधे पूरे गाँव में निकलेगा। फिलहाल अभी की सिचुएशन मुझे बोल रहे थे सभी क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, अपडेट यही है कि अंडर कंट्रोल है अभी तक, और क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर थोड़ा से चांसेस फिर भी बढ़ सकते हैं, अगर देखा जाए तो 50-50 चांसेस हैं अभी, पहले जहाँ पे हमारे 90% चांस थे अभी 50 हो गया, काम भी चल रहा है, बारिश भी रुक गई है। तो चलो आपको अपडेट दिखा दिए, अभी चलते हैं घर। तो गाइस मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ देखो काम लग रहा है जो पुल का, ठीक है, ये पुल का सारा मटीरियल इधर ही रेडी हो रहा है। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये रास्ता भी हमारा बड़ा होगा खुला जब ये पुल बन जाएगा, वो देखो वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, वो डिग्री कॉलेज है गाइस, वो देखो शायद आपको कम दिख रहा होगा इधर से, और इस साइड डिग्री कॉलेज भी बन रहा है, जो जोड़ियाँ फुटबॉल और ये हमारा पूरा एरिया को कनेक्ट करेगा, तभी डिग्री कॉलेज इन्होंने इस साइड बनाया, क्योंकि रोड बनेंगे बड़े बड़े है ना, और तभी जोड़ियाँ वाले जो फुटबॉल वाले हैं उनको भी डिग्री कॉलेज लग जाएगा इस साथ में। और ये हमारा गाँव देखो गाइज, अभी पहुँच चुके हैं घर में, और जिनको रोटी देने गए थे मतलब चाय पानी वगैरह देने, वो तो काम ख़त्म करके हमसे पहले पहुँच गए, हम दरिया वाली साइड निकल गए थे, क्योंकि अभी बंदा इतनी दूर गया हो तो बंदा सोचता है यार चक्कर लगा के आता है ना, तो अभी आ गए घर में और धूप देखो कितनी निकल गई है। तो गाय ठीक है, नमित जा रहा अभी, ठीक है फिर बाय बाय। तो इसको बोला खाना खाने के लिए, बोलता अभी मैं पूड़ियाँ खा के आया हूँ, जिन्हें पूड़ियाँ खाधी अभी पूरे दिन मतलब भूखन लग दी, तो ठीक है फिर नमित चला गया। अभी नमित आया था और इसने देखो क्या लाया, इसने लाया जामुन, आपको पता है जामुन इस टाइम सबके फेवरेट है, जब हम गांव में रहते थे तो हम जामुन घर खाते थे, ये अभी गया था नानी घर, तो नानी घर के साथ में पेड़ लगा हुआ तो वहीं से इसने तोड़ के लाया, तो सोचा इधर से निकल के जाता हूँ साथ में गोरों को भी दे देता हूँ ना, थोड़े वो ले गया थोड़े हमें ले गया। जब हम गाँव में थे ना हमारे घर के बिल्कुल पास में मतलब जामुन का पेड़ था, तो बचपन में हम रहते उनके ऊपर टंगे हुए, जब इसको धो के हम खाएँगे जामुन। अभी मैं आ गया हूँ रूम में जामुन लेके, और थोड़े से खाए मैंने, सब ने थोड़े थोड़े लेने थे ही थोड़े, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, तो आपको पता है जब गांव में थे ना छोटे छोटे थे तो जब भी हम जामुन खाते थे ना सबसे पहले हम क्या करते थे पता है, हो सकता है आपने भी बचपन में ऐसे किया होगा और किस किस ने किया कमेंट करना, तो हम ना जैसे खाते थे ऐसे करके जीभ चेक करते थे किसकी ज़्यादा मतलब वो ग्रीन ग्रीन हो गई, ब्लू ब्लू हो गई है, जिसने ज़्यादा खाए होते थे उसकी ब्लू हो जाती थी, तो हम ऐसे करके मतलब काम करते थे बचपन यार, बहुत अच्छा होता था पेड़ों पे चढ़ना लटकना ये सब चीज़ें कूदना, पर अभी तो यार वो चीज़ें, गांव की लाइफ बहुत अच्छी होती है अगर हम अच्छे से जियो,
अदरवाइज सिटी में जैसे मतलब अभी अपने अपने घर में जैसे है टाइम, बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने कामों में बिजी होता है, इन चीज़ों से दूर चला जाता है। बचपना अलग चीज़ थी, है ना। तो गाइस किस किस ने अभी ये जामुन खाए हुए हैं कमेंट जरूर करना यार। अभी शाम हो चुकी है और हमारे घर वाले मम्मी पापा गए नीचे वाले घर में, मम्मा बोले थे मैंने दरिया वगैरह देखना है, और हमारे सब्सक्राइबर आए हैं, निकल गए थे यहाँ से, मैंने दोबारा फ़ोन करके बुलाया, बोलते अभी हम जा रहे हैं, मैं नहीं वापस मिल के जाओ, तो चलो अभी आ गए हैं देखते हैं बाहर। आया अभी, उनको पता नहीं चल रहा था लेकिन अभी बोल रहे इधर ही से पहले अभी शनि मंदिर के बाद चले गए और अभी आ रहे हैं। देखो अभी जैसे आते हैं आपको मिलाते हैं। देखो जरा बड़ी मुश्किल से इनको हमने बुलाया और बहाने सुनो अभी पहले। और सुनाओ गाइस देख लो इधर, अभी मैं उधर ही रुक के वेट कर रहा था इनका, इन्होंने मुझे किसी के लिए आए इधर, और जाना है अभी लेकिन वापस आना होना तो वापस। देखो टाइम लगेगा ना, इन्हें तो देखो एड्डी दूर आए, उन मेरे अगर तो 10 मिनट नहीं कड़े के फायदा ये प्यार थोड़ी है फिर। नहीं 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 गाइस ये देखो सारे गाड़ी में बैठे हुए हैं, ऐसे ही बाय बाय कर दिया हमें, हमारे एक घंटे का वेट आपने ऐसे कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। गाइस हम पिछले एक घंटे से तैयारी कर रहे थे कि चलो आते हैं उनसे बैठ के चाय पानी जूस वगैरह पियेंगे, पर वो तो चले गए क्योंकि उनके साथ और भी उनके फ्रेंड सर्कल में थे, बोले दरिया देखने जा रहे हैं साथ में पार्टी शार्टी करेंगे, तो फिर अकेले होते है ना फिर वो आते, बट वो चले गए। चलो एक सौ के बोला मैंने, जब वापस आएंगे फिर जरूर मिल के जाना, उन्होंने बोला तो है, मैंने बोला मम्मी पापा भी अभी नीचे वाले घर गए हैं तो वापस आओगे तो फिर जरूर मिल के जाना, बोल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उनके फेस पे जो स्माइल थी, जो एक्साइटमेंट थी ना यार, दिल खुश हो गया कि ऐसे हमसे कौन मिलने आएगा ऐसे, है ना, तो फिर भी यार वो हमसे मिले अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में और गौरा यहाँ पे लेटी हुई है, गौरा बेचारी वेट कर रही थी लेकिन फ्रेंड सर्कल के साथ थे वो इसलिए नहीं आए, एंड मे बी वो जब वापस आए तो आए, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि भाई जब भी आते हो 10-15 मिनट तो हमारे लिए एटलीस्ट निकाला करो, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अंकल की वो जो एक्साइटमेंट थी ना वो मेरे को फेस पर झलक रही थी कि उनको भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो पर्सनली लगा ही अच्छा, बट उनको देख के भी लग रहा था, बट मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा ऐसे ऑड भी लगता है थोड़ा सा, बाकी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो गाइज होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार एक लाइक तो बनता है यार, एक शेयर बनता है और एक कमेंट बनता है प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपके घर में आए। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड जय माता दी।